अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो दो ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट से होती हैं, एडिशन लॉज और मल्टीप्लिकेशन लॉज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम दो नंबर्स लें रियल नंबर्स में से, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो उनकी एडिशन भी रियल नंबर में ही होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट प्लस सी, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। इसमें तीन नंबर लेंगे, एक दो तीन। द थर्ड वन इज़ एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, दे आर एग्जिस्ट, दिस इज कॉल्ड देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, मतलब उस नंबर में ज़ीरो ऐड करें तो उस नंबर के ऊपर कोई भी चेंज ना आए, ठीक है, वो नंबर एज इट इज़ रहे, ठीक है ना। दिस बिलोंग्स टू आल्सो रियल नंबर। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, यानी ए में माइनस ए प्लस करें या माइनस ए में ए प्लस करें, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है जी। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सो दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, के पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर प्लस पहला नंबर, तो ये बराबर होंगे, ठीक है जी। अब आ जाएँ मल्टीप्लिकेशन लॉज की तरफ। तो वही मल्टीप्लिकेशन लॉज जो जैसे एडिशन से के हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के होंगे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी बिलोंग्स टू रियल, यानी इन दोनों का डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ठीक है। तो जैसे ये एडिशन के लिहाज से था, इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन। द थर्ड इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में ज़ीरो था, इस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वन आएगा, ठीक है जी। वन बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यानी कि ए को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर ऑल ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कोई भी हमारा रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, दिस इज़ कॉल्ड ए इनवर्स, को हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। सच दैट ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है जी। सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दैट्स डन।